हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ विनेगर यानी कि सिरका कैसे खराब होता है। बेसिकली हमें पता है कि विनेगर जो सिरका होता है वो एक प्रोसेस से बनता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो यीस्ट होती है, फंगस होती है, वो क्या करती है, वो उसको ईट करती है, खाती है। और खाने के बाद क्या करती है कि जो उसका प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, विनेगर बनता है, सिरका बनता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो खराब होता है। तो मैं बताता हूँ बेसिकली कि जो विनेगर होता है, हम यहाँ शुगर केन के रस, जो गन्ने का रस होता है उससे बनाते हैं, हम जामुन से बनाते हैं, और भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, एप्पल सेब का बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि ये खराब क्यों होता है। बनाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये खराब बहुत तरीकों से होता है। कई बार तो इसको कहते हैं कि इसमें बादल के जैसी जो संरचना होती है ना वो बन जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं सिरके खराब होने के ऊपर कि ये खराब क्यों होता है। सबसे पहला अभी मैंने फर्मेंटेशन बताया, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर ज्यादा हो जाता है, जिसको ओवर फर्मेंटेशन बोलते हैं, अगर ओवर फर्मेंटेशन हो गया तो हमारा विनेगर यानी कि सिरका खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर और वाटर एक्टिविटी दोनों मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारा सिरका खराब हो सकता है। और जो उसमें और कंडीशन आती है उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन क्या होता है कि किसी अदर बैक्टीरिया का या फिर किसी अदर पैथोजन या फिर किसी अदर माइक्रोब का उसके ऊपर एक्टिव हो जाना, अदर माइक्रोब का उस चीज को फीडअप करना खाना, और जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो जो है वो उसको अलग बना देता है, जिसकी वजह से हमारा विनेगर खराब हो रहा है, सिरका हमारा खराब हो रहा है। या फिर उसको बोल सकते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है कि जब पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम चाह रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करके उससे अलग कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से विनेगर खराब होता है, जिसकी वजह से सिरका खराब होता है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा सिरका, हमारा विनेगर खराब हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है इस पे एक सोलिडिफाइड सब्सटेंस जो है ये इस पे ये जम गया है, ठीक है। और ये अलग से दिखाई दे रहा है, ये जो विनेगर है इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें दो मेन कैरेक्टर साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो विनेगर का कलर चेंज हो जाना और दूसरा उसके स्ट्रक्चर पे, इसके ऊपर कोई तीसरी लेयर भी आ गई है ये हमें दिखाई दे रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई अदर फंगस या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके ऊपर ग्रोथ कर गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी पहचान करनी है और पहचान करनी है कि विनेगर कैसे खराब हो जाता है, तो हम इसका टेस्ट, हम इसका पीएच भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा विनेगर खराब हो गया है।